नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास में पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह की ओर से लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि उपनिषदों से हम जो सीख लेते हैं वो शाश्वत और समकालीन रूप से प्रासंगिक भी हैं। उन्होंने कहा कि उपनिषद हमें व्यवस्था, सत्य और नैतिक मूल्यों के संपूर्ण मार्ग पर ले जाते हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति ने संसद में होने वाले अवरोध पर चिंता भी जताई। साथ ही उन्होंने संसदीय समितियों की सहायता के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित गलत खबर चलाने को लेकर भी सख्त नाराजगी जताई। Every committee is serviced by staff. There will be 5-6 people. I got input from number of chairman and members. Then Mr. Chairman, do something affirmatively so that we improve our productivity. So what I do, the human resource attached to the committee, I sharpen it. I put in research-oriented people. I put knowledgeable people so that they can help the committee members optimize their output, their performance. In the process, I appointed some, an IAS officer, an Indian Foreign Service officer, a man who has credentials of LLM, and a narrative is set afloat, first by a newspaper, then by channels. Bajer, chairman has appointed his own members to the committee. Would anyone, for heaven's sake, check up? Committee is of members of parliament. It is their exclusive domain. I am terribly upset and concerned. What our editors are doing? I have directed my office to get in touch with the editors of newspapers. To channel heads, can you engage into such kind of narrative which is based on falsehood? संसद में माइक बंद किए जाने के आरोपों पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय संसद में संविधान के मुताबिक अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। Anyone who says so inside the country or outside, that in the Indian Parliament mics are put off, is an affront to the nation. Imagine this being done after having held the floor for nearly 50 minutes. Such kind of wanton misadventure to run down our democratic fabric and values cannot be countenanced. I call upon everyone, intelligentsia, media and youth who are warriors of 2047, rise to the occasion. Expose these forces, neutralize them. I am not a stakeholder in politics. I don't engage in partisan stance. But I do believe in constitutional duty. And I know fear cannot dominate my mind after I have kept Dr. Singh on my right side for so long. If I observe silence, the vast majority of people who believe in this nation would be silenced forever. We cannot allow such kind of narrative to gain currency and momentum by those elements who wish to antidote our rising growth. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बहरीन की राजधानी मनामा में अंतर संसदीय संघ के 146वें सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का शुभारंभ 11 मार्च को होगा और ये 15 मार्च तक चलेगा। मनामा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 10 मार्च को आईपीयू के अध्यक्ष डुआर्ते पचेको के साथ पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शुक्रवार शाम को वो मनामा में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 11 मार्च को आईपीओ के एशिया प्रशांत समूह की बैठक में भाग लेगा। उसी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मनामा में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे और
12 मार्च को वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, असहिष्णुता के विरुद्ध लड़ाई विषय पर सभा को संबोधित भी करेंगे। वो कई देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। साथ ही वो G20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों से मिलेंगे और उन्हें इसी वर्ष नई दिल्ली में होने वाले P20 समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मनामा में बहरीन के मध्य में स्थित 200 साल पुराने श्रीनाथ जी के श्री कृष्ण मंदिर का भी दौरा करेंगे। 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष 12 मार्च को ही स्वदेश रवाना हो जाएंगे। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।